हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मैंगो की एक और डिलीशियस रेसिपी जो बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। जी हां, आज मैं आपके साथ मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अभी मैंगो का सीज़न भी है, तो इस डिलीशियस मैंगो कस्टर्ड को बनाना तो बनता है। इस कस्टर्ड को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में एक टेस्टी डिज़र्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इस मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो कस्टर्ड बनाना। इस कस्टर्ड को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर है। और अब इस कस्टर्ड पाउडर में मैं 5 बड़े चम्मच ठंडा दूध मिक्स कर रही हूँ। दूध हमेशा आपको ठंडा लेना है, गर्म कभी मत लीजिएगा, क्योंकि गर्म दूध का यूज़ करने से लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ हो जाती हैं, और ठंडे दूध से बहुत अच्छे से मिक्सचर हमारा घुल जाता है। इसलिए हमेशा आप ठंडे दूध या रूम टेम्परेचर दूध का ही यूज़ करें इसे मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे हम लोग साइड रखते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने एक बर्तन में 4 कप दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अब एक बॉयल आने का हम लोग वेट करेंगे। मैं इस कस्टर्ड को बनाने के लिए रेगुलर मिल्क का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे फुल क्रीम दूध से भी बना सकते हैं। दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है, इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए, चला लीजिए। और अब मैं इसी टाइम इसमें चीनी ऐड करूंगी। मैं इसमें 5 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूं। आप अपने मीठे के हिसाब से जैसा आपको पसंद है कम या ज़्यादा चीनी की क्वांटिटी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से डिसॉल्व होने देंगे दूध में, अच्छे से चीनी घुल जाएगा, तब हम लोग इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसे ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर जब भी आप दूध में डालें, जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार किया हुआ रहता है, उसे हमेशा पहले आप स्टर कर लें, अच्छे से चला लें, क्योंकि कई बार कस्टर्ड पाउडर नीचे कटोरे में बाउल में बैठ जाता है, जम जाता है। तो हमेशा उसे चलाकर ही दूध में मिक्स करें, और इसे डालने के बाद लगातार आप इसे चलाते रहें, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाते हैं। कस्टर्ड को बनाते वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे लगातार हमें चलाते रहना है। और थोड़ी ही देर में आप देखिएगा कि हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा, ये ठीक होने लगेगा। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, और 2 से 3 मिनट तक पकाने में ही अच्छे से हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाता है, ठीक हो जाता है। और कस्टर्ड को बनाते वक्त लगातार चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो बॉटम में तले में चिपक जाएगा, और जिससे जलने की स्मेल आने लगती है, इसलिए कंटिन्यूसली हमें इसे चलाना रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप की कंसिस्टेंसी जब नज़र आने लगे तो इसका मतलब होता है कि कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसे हमें 15 से 20 सेकंड तक के लिए पकाना है, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है हमें। अभी भी आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा रनी है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और अब इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रखकर अच्छे से चिल्ड कर लिया, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गए हमारे कस्टर्ड। यहाँ पर कस्टर्ड से रिलेटेड एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमने गाढ़ा कस्टर्ड बनाया था, थिक कस्टर्ड बना था, पर जब मैंने उसमें फ्रूट्स डाले, फल डाले, तो वो पतला हो गया। आपको करना ये है कि आप जब कभी भी कस्टर्ड बनाएं, बिल्कुल इसी तरीके से उसे अलग बर्तन में ही रखें जब तक कि आपको उसे खाना ना हो। जब आपको उसे खाना हो, आपको किसी को सर्व करना हो, उसी टाइम आप उसमें प्योरे डालना है किसी फ्रूट्स का, या आपको फ्रूट्स कट करके ऐड करना है, तो उसी टाइम आप सर्व करते वक्त ही उसमें ऐड करें। क्योंकि आप पहले से फ्रूट्स डाल देंगे तो फ्रूट्स अपना पानी, अपना जूस रिलीज़ करता है, जो कस्टर्ड में आने के बाद वो उसे पतला कर देता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, आपको सर्व करते वक्त ही फ्रूट्स ऐड करने हैं। अब इस कस्टर्ड को मैंगो फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो पल्प। यानी यहाँ पर मैं 2 मैंगो को छोटे टुकड़ों में कट करके उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला कर इसकी प्यूरी तैयार कर ली हूँ, और अब इसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इस मैंगो प्यूरी को हमें अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स कर लेना है, जिससे मैंगो का सारा फ्लेवर कस्टर्ड में आ जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड होगा मैंगो के पीसेस, छोटे छोटे चंक्स मैंगो के मैंने यहाँ पर कट करके रख लिए। इसे भी हम लोग मैंगो कस्टर्ड में डाल देंगे।
क्योंकि आज हम लोग मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा मैंगो कट करके जाएगा ही। जितना ज़्यादा आप मैंगो डालेंगे उसके चंक्स आपके बाइट में आएंगे, आपको उतना ही खाने में ये टेस्टी भी लगेंगे। और साथ ही मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मैं बादाम और काजू छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी ऐड कर रही हूँ उसमें। ये भी बाइट में जब आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम लोग ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। तो देखा ना आपने कितने कम टाइम में ये हमारा टेस्टी कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ को देखने के लिए फूडी नाहिद चैनल के साथ बने रहें। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, उसे पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।